समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एंड फैमिली को बर्थ सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। परिवार के 3 सदस्यों आजम खान, बेटा अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को अदालत से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से छूट जाएंगे, लेकिन आजम खान को एक और मामले में 7 साल की सजा हुई है, इसलिए वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस मामले में रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। तीनों के खिलाफ रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन ने बेटे अब्दुल्ला आजम का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगर पालिका परिषद से बनवाया गया था, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया गया। पहले बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान रामपुर बताया गया, जबकि दूसरे में जन्म स्थान लखनऊ का क्वीन मैरी हॉस्पिटल बताया गया। आरोप लगा कि आजम खान परिवार ने अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया। अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनवा कर उनके दुरुपयोग की भी बात सामने आई। इस मामले में रामपुर पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए। आजम खान ने पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के साथ इस मामले में 26 फरवरी 2020 को रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। आजम खान को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 27 महीने बाद जमानत मिली। रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने इस मामले में पिछले साल 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया और तीनों को 7-7 साल कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद परिवार को फिर से जेल जाना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में आकाश सक्सेना समेत 11 लोगों को गवाह बनाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में कोर्ट में 15 गवाह और 77 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। हालांकि आजम खान एंड फैमिली की तरफ से कोर्ट में 19 गवाह पेश किए गए, लेकिन उनके बयान सिद्ध नहीं हो सके। आजम खान एंड फैमिली ने इस मामले में मिली सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिविजन दाखिल कर 7 साल की सजा को रद्द करते हुए सभी को दोषमुक्त किए जाने की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने कर रही थी। इस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से आजम खान एंड फैमिली की याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन आज अदालत ने आजम परिवार को राहत दे दी है।